गाइस वेलकम बैक टू माय इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आप लोग को पता होगा जैसा कि अभी बीच में पानी भरने की वजह से सारी की सारी ट्रेनें बंद हो गई थी। तो अभी ट्रेनें चल चुकी हैं, लेकिन कहां तक चली हैं वो आपको बताते हैं। ट्रेन सहजानपुर और टनकपुर की तरफ चलने लगी हैं। ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो सामने ट्रेन खड़ी है, ये सहजानपुर जाएगी 6:20 पर, और जो वो सामने दूसरी साइड खड़ी हुई है वो जाएगी टनकपुर 5:20 पे। तो सुबह से 3 ट्रेनें जाती हैं टनकपुर की तरफ, एक जाती है 7:20, एक 12:30, एक 5:20, ये जाती हैं ट्रेन टनकपुर की तरफ। और सहजानपुर को जो 3 ट्रेनें जाती थी सुबह दोपहर में 2:20 पे, एक जी शाम को 6:20 पे। तो इधर वाली ट्रेन है वही टाइमिंग है, लेकिन टनकपुर की तरफ सिर्फ ट्रेनें जा रही हैं, क्योंकि और ट्रेनें जो इधर से बरेली की तरफ से आती थी वो आगे जाती थी, लेकिन अब बरेली की तरफ से कोई रेक आ नहीं सकता, तो फिर आगे जाएगा किधर। लेकिन जो यहाँ से बन के चलती थी, अब जो टनकपुर से ट्रेन आया करेगी सुबह के टाइम पे, वो यहाँ से दोपहर के टाइम पे चली जाया करेगी, फिर शाम को वापस आके खड़ी हो जाया करेगी। ऐसे 3 ट्रेनों को 3 कोच को इधर उधर भेजा जा रहा है, ये है यहाँ का हाल। और ये आप जो देख रहे हैं ये डीजल लोकोमोटिव जो खड़ा हुआ है, इसका बस ये काम है जब सामने से उधर से ट्रेनें आए तो ये घूम के जाता है, पहले इधर वाले इंजन को लेता है, फिर उधर शंटिंग कराता है, फिर दूसरे वाले इंजन को लेके उस साइड शंटिंग कराता है। क्यों? क्योंकि जो उधर काम चल रहा है वहाँ पर इन जो ऊपर वायर हैं इनमें अभी करंट नहीं दिया गया है, इनमें पावर नहीं है, कहीं से भी इससे कट करी गई होगी। इस वजह से इस लोकोमोटिव का यूज़ है कि यहाँ से सारे के सारे इंजन को इस साइड से उस साइड खड़ा करना, जाके लगाना, और फिर सुबह के टाइम ट्रेन है सब उधर की साइड चली जाएंगी। अब अपडेट बताते हैं आपको बरेली वाली का। तो बरेली वाली का जैसे मैंने परसों वीडियो बनाई थी उस हिसाब से तो लग रहे थे 5-7 दिन लग जाएंगे। अब उसका मैं आपको कल जाके रिव्यू दूंगा कि कल कितना काम रह गया। जहाँ तक मुझे लग रहा है कल जब मैं देखने जाऊँगा तो 1-2 दिन का काम और रह जाएगा, और शायद बरेली की तरफ ट्रेनें चलने लगें। तो कल मैं उसका रिव्यू दूंगा जाके, और जहाँ तक है मैं आपको शाहगढ़ वाली जो पुलिया है उसका भी अपडेट दूँगा बहुत जल्दी। पीलीभीत से जो मैलानी शाहगढ़ की तरफ जो ट्रेन थी चलने वाली थी, जो पुलिया बहेगी जिसकी वजह से ट्रेन नहीं चल पाई, उसका अपडेट कल मैं आपको यहाँ तक है दूंगा। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।